जवानियां लुटाएंगे, हम को बचाएंगे, जवानियां लुटाएंगे, हम को बचाएंगे, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वजीर आजम इमरान खान, 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 तेरी शान मेरी शान, इमरान खान इमरान खान। इनकी छह जगह एंट्री होती है जेल में, जब निकालते हैं, खुद मैंने इनकी बैठ के जेल में एंट्री की, मैं 2 बजे सवा 2 यहाँ अवैस के कल मुचल के सारे मैनेज हुए अल्हम्दुलिल्लाह। मुदस्सर भाई ने कहा, अहमद नियाज़ी साहब, अवैस भाई, और इन्होंने मुझे कहा, मैं 60 एक हमारे मुचल के रहते थे जो मैं सुबह 8 बजे वहाँ ले गया, फिर मुझे यहाँ से कहा गया कि कुछ लाहौर से मैनेज हो गए हैं, वो हिदायत दे रहा था कि पहले सबको लूटो उसके बाद सबको मारो, उधर रखा है। एक दिन वो चक्की में बंद कर दिया था, वो पट्टी में हमारे साथ वो सफीर भाई, और गर्म पानी होता था और सालन हर चीज कच्चा होता था, बिल्कुल रोटी भी कच्ची होती थी, बिल्कुल हमें जलील करते थे। 90 लड़कों को जेल में डाल दिया, 12 लड़कों को वैन में बैठा के पहले एक चौक पे खड़ा करके वो चले गए पुलिस वाले, हम 12 लड़के वैन में थे आधा घंटा, वो वापस आ गए। उसने वो एक बंद आया सेवल में, उसने कहा कि हम शहबाज गिल की तरह काम करेंगे आपके साथ, 2-2 और FIR डालेंगे। फिर उस चौक से रवाना करके अगली रेल पटली के ऊपर गाड़ी को खड़ा करके फिर चले गए 20 मिनट। उनको ऑर्डर कर देते कि उनसे सब कुछ लूट ले, तो सबसे मोबाइल और पैसे या जो घर के अंदर थे उनसे मोबाइल और पैसे सब कुछ लूट लिए। फिर इसके बाद मारा पीटा, इस तरह मारा पीटा कि जिंदगी में मैंने इंसानों के साथ ऐसा सालूक नहीं देखा। दोबारा जब रोजा खोलते थे, एक कूलर पानी और एक बैरक में 50 लोग थे, एक में 25 थे, दूसरे में 26 थे, तो इन सबको हमें पानी नहीं दिया जा रहा था। अंडे लेकर आए, खुदा की कसम कच्चे अंडे थे, तो मैंने इन सबको कहा, मैंने कहा ये ठटीर वाले अंडे लेकर आए हैं, आपको शर्म नहीं आती? तो जो सुप्रिंटेंडेंट फिर उसने मुदस्सर को बुलाया, मैंने उसको कहा कि सर आप जुल्म कर रहे हैं, पाकिस्तानी हैं, आप कभी दहशतगर्द बना देते हैं, कभी आप कुछ कर देते हैं, तो ये तो वकील साहब की मेहरबानी है और अहमद साहब की हम सलूट पेश करते हैं कि हमें दाद देते रहते हैं, और अमीर खान सनाती साहब जो है ना जी माशाल्लाह वो हमें लीड कर रहे हैं, हम माशाल्लाह हर टाइम खून के आखिरी कतरे तक खान साहब आपके साथ खड़े हैं। मार गया मेरा को गाड़ी में, एक घंटा में बेहोश था। आप कहाँ से आया? मल बाजोड़ से आया, बाजोड़ दहशतगर्दी है, मल खान के घर पे पकड़ लिया, दहशतगर्द है, बाहर घूमते दहशतगर्द नहीं है, खान की पार्टी में इस वजह दहशतगर्द है, इतना मार दिया, फिर एक घंटे में बेहोश था। उन्होंने जिनका मेडिकल नहीं करवाया, हमने उनके रिक्वेस्ट की कि एटलीस्ट ना आप इनको जो अंदर हॉस्पिटल ना उधर शिफ्ट कर दें, तो उन्होंने उधर भी शिफ्ट नहीं किया। 2-3 लड़कों की इतनी तबीयत खराब होगी कि रात के 3 बजे हमें शोर डालना पड़ा। उस टाइम आए हैं, चाबियां लेके आए हैं, बाहर 2-4 लड़कों को निकाल लिए, उनको लटा के सबके सामने मारा है कि सारे खौफ में आ जाएं, लेकिन कोई भी खौफ में नहीं आया। उन्होंने स्पेशल कहते हैं इस ये जो कैमरे लगे हुए ना, इसमें आप रोगे ना तो आपको निकाल दिया जाएगा, लेकिन लड़के उधर जाके हंसते थे और हम उधर खान साहब आपके नारे लगाते थे रात के 3 बजे, सुबह 6 बजे भी, अफतारी के टाइम भी। तो सुबह से लेकर शाम तक बैठा जाता था उधर अदालत में भी, तो हमारा जो है ना सांस बिल्कुल बंद रहा था। ये 2 दिन उसने ये भी किया, 40 दिन एक वेल में 40 बंदे को बैठाया। अच्छा, का इंक्वायरी हुआ पूरा पाकिस्तान का, सारा एक के पास भी गैर मुल्की शनाख्ती कार्ड नहीं, सारे पाकिस्तान के लोग हैं हम, और हम खान साहब पाकिस्तान के लिए खड़े, मदीना की रियासत की बात की, हम खान साहब के लिए खड़े, और हमसे उधर भी इन्होंने पूछा कि आप किस के साथ के, हमने उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ है, हर जगह में सियाह ताना में भी पूछा, हमने हर जगह में इनको बताया। इन्होंने हमें ऐसे ही पकड़ते थे फिर घुमाते रहते थे, जेल में भी इन्होंने हमें पानी नहीं दिया, अफतारी के बाद भी हमें भूखा रहना मतलब प्यासा रहना पड़ता था, सुबह जब आता था तब भी अगर आए तो ना आए, नहीं तो हमें वॉशरूम का सहरी में भी हमें वॉशरूम का थोड़ा बहुत पीना पड़ता था, और छोटे छोटे इन्होंने कूलर दिए थे, और एक सेल में जहाँ 7 की जगह उधर 25 या 30 लोग इन्होंने रखे हुए, 26 लोग एक सेल में, दूसरे में 50, एक में 24। हर किसी कानून के अंदर दुनिया में आप अगर सियासी वर्कर हो और अगर आप इत्तेजाज भी कर रहे हो तो किसी का हक नहीं है कि तुम्हें पकड़ के जेलों में डाले, समझे। तो ये जो उन्होंने किया ये बिल्कुल गलत किया, कानून के खिलाफ किया, और ये सिर्फ खौफ फैलाने के लिए, ये और ज़्यादा खौफ फैलाने के लिए किसी तरह की पार्टी ऐसे ख़त्म हो जाएगी।
کہ اگر آپ کو ڈریں گے اور آپ لوگوں کو کہیں گے کہ جی ہمارا کتنا برا ہوا ہمارے ساتھ تو لوگ ڈر جائیں گے، یہ ان کا خیال تھا۔ اس سے کبھی دنیا کی تاریخ میں کبھی کوئی بھی نظریاتی پارٹی ایسے ختم نہیں ہوتی، بلکہ اور زیادہ نظریہ اوپر آتا ہے۔ لائن میں آپ آگے تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، ہم چچا تھے، ہم چچا تھے۔